एक गांव में दो दोस्त रहते थे, राहुल और सीनू। दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे। राहुल ऐसे ही गांव में टहल रहा था, उसने सीनू को अकेला बैठा देखा तो वो उसके पास गया और उससे पूछता है। क्या हुआ सीनू, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? क्या तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है? दरअसल मेरे तोते को कोई चुरा के ले गया है। वो बहुत अजीब सा दिख रहा था, मुझे बहुत डर लग रहा है मेरा तोता मिलेगा कि नहीं। तुम मेरे साथ चल। यह कहकर राहुल सीनू के तोते को ढूंढने उसके साथ जाने लगा। आओ ना, हम मिलके तुम्हारे तोते को जरूर ढूंढ लेंगे। दरअसल वे दोनों मोहल्ले के घरों में उसके तोते को ढूंढने जा रहे थे, तभी उन्हें एक घर दिखता है। वो लोग वहाँ जाते हैं। देखो, क्या ये यही चोर था जिसने तुम्हारा तोता चुराया है? जरा ध्यान से देखो। हाँ, ये वही चोर था जिसने मेरा तोता चुराया। तुमने ही ना मेरा तोता चुराया, मुझे मेरा तोता दो। ओए, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? पीछे तो मुड़ो। ओए, इधर देखो, तुम्हें मेरा तोता देना ही पड़ेगा। छोटे बच्चे, तुम लोग मेरा कुछ नहीं कर पाओगे। मैं जा रहा हूँ यहाँ से, बाय बाय। उसे वो भाग रहा है। तुम रुक जाओ, तुम नहीं जा सकते, रुक जाओ। तुम्हें मेरी बात सुननी ही पड़ेगी, रुक जाओ। नहीं रुकोगी ना तो ये लो और लो और लो। नहीं तो मैं बच्चा समझ रहा था, तू मुझे मारेगा तो ये लो और लो। तो तुम हमें कमजोर समझ रहे थे, अब मजा आया। मैं किसी से कम नहीं, अब जाओ यहाँ से, जल्दी जाओ। पर राहुल, मुझे अभी तक मेरा तोता नहीं मिला, पता नहीं वो कैसा होगा, कहाँ होगा। सीनू, देखो वो रहा तुम्हारा तोता, पीछे देखो वही है तुम्हारा तोता। हाँ, यही है मेरा तोता, मीठू मीठू, तुम कहाँ थे मीठू। मीठू भी सीनू की आवाज सुनकर बहुत खुश हो गया और नीचे आकर के फड़फड़ाने। मीठू, तुम मिल गए, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। मुझे तो लगता है मीठू भी तुम्हें देख के बहुत खुश है, तुम दोनों बहुत खुश हो एक दूसरे को देख के। तोते के मिल जाने के बाद राहुल, सीनू और तोता तीनों खुशी से उछलने लगे।